राज्य मंत्रिमंडल बैठक में ओबीसी समुदाय को लेकर दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। उन पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले अध्यादेश जारी कर दिए गए होते तो यह उपचुनाव नहीं होते। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को सरकार को बनाए रखना चाहिए। अध्यादेश को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने कोई बड़ा वकील कोर्ट में रखना चाहिए। अध्यादेश बनाए नहीं रखा तो हम नहीं सुनेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। अध्यादेश पहले तय हो जाता तो मौजूदा उपचुनाव में लागू हो जाता। निवडणुका लागण्यापूर्वी जर अध्यादेश काढला असता आणि सुप्रीम कोर्टासमोर नेला असता तर या पोटनिवडणुकाही लागल्या नसत्या, परंतु अध्यादेश हा उशिरा काढला। पुढच्या निवडणुकीकरता हा अध्यादेश जर टिकवायचा असेल तर सुप्रीम कोर्टमध्ये सरकारला या अध्यादेशाबद्दल सांगावं लागेल आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये हा अध्यादेश टिकवणे, या अध्यादेशानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देणे ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे। राज्य सरकारने देशातले उच्चस्तरीय वकील लावून हा अध्यादेश टिकवला पाहिजे आणि जर हा अध्यादेश टिकवला नाही तर आम्ही हे समजू की या सरकारमधले पुन्हा झारीचे शुक्राचार्य सक्रिय झाले आणि त्यांनी या अध्यादेश सुद्धा टिकू दिला नाही असा अर्थ निघेल। आणि म्हणून मी आधीच सांगायचो, काही गट या ओबीसी आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे, त्यांनी हा अध्यादेश टिकू दिला नाही, कारण उच्चस्तरीय वकील लावणे आणि उच्चस्तरीय वकील लावून कोर्टामध्ये या अध्यादेशाची पार्श्वभूमी मांडणे, कारण ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाने 4 मार्च 2021 ओबीसी आरक्षण देण्याकरता काय काय करावं याचे आदेश दिले, त्या ट्रिपल टेस्ट करावी। इसी के साथ उन्होंने बिजली खाते पे भी बात की। यदि बिजली खाता नहीं चलाया जा रहा है तो हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। 5 साल से हमने कभी बिजली नहीं काटी। हमारे समय की महावितरण बैलेंस शीट लाभ में थी। ऊर्जा विभाग किसानों की बिजली काटे बिना लाभ उठा सकता है, यह सब नुकसान के आंकड़े बढ़ने की साजिश है। यह बिजली बिल जबरदस्ती काटने की साजिश की जा रही है। किसान बिजली बिल का भुगतान न दे, ऐसा वक्तव्य चंद्रशेखर बावनकुए ने इस वक्त किया। त्यांना तुम्ही जरी मोफत वीज दिली किंवा शेतकऱ्याची वसुली नाही केली तरी तुम्हाला कंपनी बॅलन्स करता येतं, महाजनकोचा महापारेषणचा महावितरणचा खर्च कमी करता येतो, लॉसेस कमी करता येतात। एक लॉसेसवर जरी लक्ष दिलं ना तरी कंपनी प्रॉफिटमध्ये येतं। आणि ज्या पद्धतीने या खात्यावरचं ॲडमिनिस्ट्रेशन संपला आहे, सरकारचा कंट्रोल संपला आहे, ते कंडक्टर आहे, ते ट्रान्सफॉर्मर आहे, ते 33 KV सेंटर आहे, तेच सरकार आहे, तेच अधिकारी आहे, पण आज लोड शेडिंगचे प्रश्न निर्माण झाले, वीज कंटिन्यू मिळत नाही लोकांना। आम्ही कधीही 5 वर्ष वीज जाऊ दिली नाही, गेली तर ती खोळ्या थोड्या मोठ्या कारणाने गेली असेल, आणि त्यामुळे हे राज्य लोड शेडिंगकडे नेणे आणि कोळसा, आमच्या काळात 23 दिवस कोळशाचा स्टॉक राहायचा, आज केवळ 1 दिवसाचा स्टॉक आहे, 1 दिवस, ओनली 1 डे। मग ही परिस्थिती काय आली, कुणामुळे आली, कशामुळे आली, याचं कोणी ऑडिट करणार की नाही करणार आहे? यदि अध्यादेश बनाए नहीं रखी तो राज्य सरकार के शुक्राचार्य जिम्मेदार रहेंगे। वे सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अध्यादेश को कायम नहीं रखा तो ऐसा समझे कि ओबीसी लोग मंत्रियों को सड़कों पर चलने नहीं देंगे। इसी तरह ओबीसी आरक्षण पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने अपना मत प्रकट किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।